नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शिव जी की मूर्ति घर में रखनी चाहिए या नहीं। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन में सुख समृद्धि और तरक्की में वास्तुशास्त्र के उपाय काफी सहायक माने जाते हैं। वास्तु में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर आप एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में देवी देवता की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कहा जाता है कि जिस घर में देवी देवताओं की तस्वीर या मूर्ति लगी होती है उस घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। हिंदू धर्म में शिव जी को सभी देवों में सबसे उच्च स्थान प्राप्त है, इसलिए वे देवाधिदेव महादेव कहलाते हैं। वे कालों के भी काल महाकाल हैं। शिव जी की कृपा से बड़ा संकट भी टल जाता है, इसलिए घर में भगवान शिव शंकर की तस्वीर या मूर्ति रखना लाभदायक माना जाता है। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में शिव जी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि घर में शिव जी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिशा में लगाएं शिव जी की मूर्ति या तस्वीर। भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है। ऐसे में घर में शिव जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें तो इसे उत्तर दिशा में रखें। वास्तुशास्त्र की माने तो घर में कभी भी शिव जी की ऐसी प्रतिमा या मूर्ति स्थापित नहीं करनी चाहिए जिसमें वह क्रोधित मुद्रा में हो, क्योंकि इसे विनाश का प्रतीक माना गया है। घर में लगाएं शिव परिवार की तस्वीर। घर में शिव परिवार की तस्वीर लगाना बेहद शुभ होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से घर में कलह नहीं होता है, साथ ही बच्चे भी आज्ञाकारी बनते हैं। इस जगह रखें शिव जी की मूर्ति या तस्वीर। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में भगवान शिव की मूर्ति या प्रतिमा ऐसी जगह पर स्थापित करनी चाहिए जहां से हर कोई इनके दर्शन कर सके। घर में लगाएं शिव जी की ऐसी तस्वीर। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में भगवान शिव की ऐसी मूर्ति या तस्वीर लगानी चाहिए जिसमें वह खुश और मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हों। कहा जाता है कि ऐसी तस्वीर लगाने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। सफाई का रखें ध्यान। भगवान शिव शंकर की तस्वीर या मूर्ति घर में जिस जगह पर स्थापित है वह जगह हमेशा साफ होनी चाहिए। ध्यान रहे कि मूर्ति के आसपास गंदगी बिल्कुल भी ना हो। अगर भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर के पास गंदगी है तो उससे दोष बढ़ते हैं और धन की हानि हो सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।